मौत का डर हमेशा लोगों को त्रस्त करते आया है। हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि मृत्यु का नाम सुनते ही हम किस प्रकार से भयभीत होते हैं। जब तक हमारा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से सुरक्षित था, हम निश्चिंत थे। लेकिन जैसे जैसे इस कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई, हम भयभीत होते गए, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि कोरोना वायरस एक भयावह और जानलेवा बीमारी है। मरण या मृत्यु, चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, एक भयावह और जानलेवा भयभीत करने वाला बीमारी है। फिर भी जब हम इतिहास के पन्नों से गुजरते हैं तो हम में इस संसार में रहने वाले कुछ भले लोगों के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिन्होंने अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार या सामाजिक कुकर्म के विरोध में लड़ाई लड़ी और मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में राजनीतिक समानता लाने के लिए जंग छेड़ी, नागरिकों की मौलिक अधिकार के लिए आवाज उठाई, अन्याय के खिलाफ कदम उठाया। इसका फलस्वरूप यह हुआ कि उनके विरुद्ध में बहुत लोग उठ खड़े हुए, उनको जेल में बंद किया गया, उनके घर में बम फेंका गया और उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी गई और 1968 ईस्वी में उनको गोली मार दिया गया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम हमारी माता कलीसिया के साथ खजूर रविवार या तो यीशु ख्रीस्त के दुखभोग का रविवार मना रहे हैं। आज के पाठों में हम यह सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारी भलाई के लिए दुख उठाना स्वीकार करते हैं और अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, कि वही भीड़ जिसने पूरे उत्साह, उमंग और जय जयकार के साथ यीशु ख्रीस्त का यरूशलेम में स्वागत करती है, कुछ दिनों के बाद उनके विरुद्ध हो जाएगी और क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए मांग करेगी। यरूशलेम में आने के पहले प्रभु यीशु ने बेथानी में लाजरुस नामक व्यक्ति को जीवित किया था। इस घटना के फलस्वरूप बहुत सारे यहूदी लोग उन पर विश्वास करने लगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत सदुकी और फारिसी लोग यीशु को जान से मारने की योजना बनाने लगे। यह सब मालूम होने के बावजूद भी यीशु ख्रीस्त यरूशलेम जाना स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनको पिता ईश्वर का कार्य पूरा करना था, उनको हम सबों को पापों से मुक्ति दिलानी थी, यीशु को हम सबों की भलाई करनी थी। इसलिए दृढ़ता पूर्वक यीशु ख्रीस्त यरूशलेम जाना स्वीकार करते हैं और मरण को अपनाने के लिए स्वीकार तैयार हो जाते हैं। इस पवित्र सप्ताह में हम यीशु ख्रीस्त के दुख भोग के मनन चिंतन के साथ साथ अपने जीवन, मकसद और व्यवहार के बारे में भी मनन चिंतन करें कि हमारा सामाजिक और धार्मिक जीवन का मकसद क्या है, कि हम किस प्रकार लोगों की भलाई कर सकते हैं, कि इस मुश्किल घड़ी में हम किस तरह से अपने स्तर पर लोगों के लिए एक मसीहा बन सकते हैं। अब तक हम लोगों ने भीड़ के समूह में शामिल होकर जुलूस में भाग लिया है और यीशु ख्रीस्त का जय जयकार किया है, भीड़ की समूह में शामिल होकर क्रूस रास्ता में भाग लिया है, यूखारिस्तीय समारोह में भाग लिया है, लेकिन इस बार कोरोना प्रकोप के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमें एकांत में रहकर घर बैठे शांतिपूर्वक व्यक्तिगत रूप से यीशु ख्रीस्त के दुखभोग के साथ साथ इस सांसारिक दुखभोग पर भी मनन चिंतन करना पड़ रहा है। घर से बाहर ना निकलना दूसरों के लिए बहुत बड़ी भलाई हो सकती है। हम घर बैठे कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मृत्यु हुए लोगों की आत्मा के अनंत शांति के लिए ईश्वर से दुहाई कर सकते हैं। वास्तव में यह समय हम सबों के लिए दुखभोग का समय है। हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ेंगी, तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन इस दुख भोग के कारण, इस सांसारिक दुख भोग के कारण हम अपना धार्मिक दुख भोग की जो भावना है उसको कमजोर होने ना दें। हम याद रखें कि हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई
प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और उनके घावों में निहित है, जैसे कि नबी इसाइयास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहा गया है, उनके घावों के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त हुआ है। विश्वास करें कि यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग और घावों के द्वारा इस मुश्किल क्षण में, दुख की घड़ी में, हम सबों को आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई प्रदान करेंगे।